देखिए, कल की जो घटना हुई, ये हमको लगता है कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था, ये संपूर्णतः एक उन्मादी कार्यक्रम था, एक उपद्रवियों का जमात था। कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता अपने हाथों में पत्थर और बोतल लेकर नहीं चलता। कल जो पत्थरबाजों और बोतलबाजों का जो जमावड़ा था, जो सूचना मिल रही है कि उसके अनुसार लोगों के पास शायद कुछ अवैध हथियार और गोला बारूद भी थी, हालांकि उसका तो उपयोग लोगों ने नहीं किया क्योंकि पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया था, अन्यथा कल एक बड़ा अनहोनी भी घट सकता था। मैं शुरू से कहता आया हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी हाट बाजार, मोहल्ला टोला से ज़्यादा बड़ी नहीं रही है। झूठ का दावा करना कि इतने लोग आएंगे, और आपने तो मीडिया में खुलकर दिखाया भी, बिरला मैदान का भी कुछ रिकॉर्डिंग है, कुछ प्रभात तारा मैदान का भी रिकॉर्डिंग है कि जो दिहाड़ी मजदूर थे उन्होंने नहीं आने का काम किया, उनको पैसे दिए गए। अभी तो गोड्डा से एक कंप्लेन आया है कि जो गोड्डा में जो 500-550 लोग ट्रेन से लाए गए थे, वो घर तो पहुंच गए लेकिन उनको 2 दिन का मेहनताना नहीं मिला। आते समय पूरी और बुंदिया मिला था लेकिन जाते समय भूखे पेट सबको जाना पड़ा, ये खबर अब गोड्डा से आ रही। और निशिकांत दुबे तो अब हमको लगता है कि संविधान और इस देश से बड़ा आदमी, उन्होंने कल खुलकर कहा कि 13 तारीख को लोकपाल में मामला है हेमंत सोरेन के खिलाफ, उसके पूरे खानदान के खिलाफ, तो मैं उन लोगों को जेल भेजवा दूंगा। मतलब लोकपाल का अब मॉनिटर निशिकांत दुबे जी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चुनाव आयोग को कहूंगा कि 6 महीने पहले ही विधानसभा का चुनाव करवा ले लोकसभा के साथ। अब चुनाव आयोग का भी मॉनिटर और मेंटर दोनों निशिकांत दुबे जी। जब लोकपाल और चुनाव आयोग की अब निशिकांत दुबे जी को रिपोर्ट कर रहा है, तो फिर राजनीतिक कार्यक्रम करने का भारतीय जनता पार्टी के पास में उद्देश्य क्या बचा? हमको लगता है कि ये बहुत ही खतरनाक संकेत है राजनीतिक तौर पर, और अब हमें इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले भी नारा होता था कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, लेकिन अब नया नारा कर गढ़ गया, पत्थरबाज बोतलबाजों का दल, तो पत्थरबाज बोतलबाजों का नहीं चलेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।